वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम जा रहे हैं पायलट बाबा मंदिर। तो अभी हम निकल रहे हैं सोमेश्वर से। गाड़ी में बैठते ही ऐसा पक्का और इतनी घुटन सी हो रही है। और बार हम रानीखेत के रास्ते जाते हैं, इस बार हम जा रहे हैं अल्मोड़ा के रास्ते। और ये ट्रैफिक सुबह सुबह गाइस, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं 10 बजे सोमेश्वर से। लेट्स सी कि हम पायलट बाबा मंदिर कितने बजे पहुँचते हैं, आपको ज़रूर बताएंगे कि कितना टाइम लगा हमको यहाँ से पायलट बाबा मंदिर तक ट्रैवल करने में। पायलट बाबा मंदिर है किधर है भी तो बता दो, कि गेठिया पे है पायलट बाबा मंदिर। यहाँ सोमेश्वर में धान पक चुका है और इन लोगों ने काट भी लिया है। आप देख सकते हैं कि खेत खाली है। इस रोड पे ट्रकों का अतिक्रमण कितना है। सॉरी गाइस, हमारे शीशे को इग्नोर करिए क्योंकि ये बहुत ही गंदा हो रहा है अभी। तभी हम रुके हैं अपनी गाड़ी का शीशा धोने। लेट्स सी कि इस हैंडपम्प में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। हैंडपम्प गाइस, इसमें पानी आ रहा है। और ये रही हमारे बगल में कोसी नदी। हम पहुंच गए हैं कोसी, और कोसी पहुंचने में हमें लग चुका है पूरा 1 घंटा क्योंकि हम 10 बजे निकले थे और अभी बज चुके हैं 11। अल्मोड़ा पहुंच गए गाइस। पहाड़ों का सुहाना सफ़र और सुहाना मौसम। सुहाना तो नहीं हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, चटक धूप हो रही है। तो मैडम को करवाना है अपना फोटो शूट, इसलिए उतरी है नीचे। तो गाइस, अभी हम रुके हैं यहाँ पे लोधिया साइट में ये, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था तो अपने गाड़ी रोक के थोड़ा सा फ्रेश एयर ली यहाँ पे। तो अब निकलते हैं यहाँ से, तो बाकी अभी चलते हैं वापस अपनी गाड़ी में। Okay गाइस, कितनी मस्त रोड बनी है ये पहाड़ों में। ऐसी रोड हो तो सफर का मजा ही कुछ और है। इस रोड एकदम अभी आगे बेकार रोड भी आई क्योंकि दिखा रहा। छह रोड का सफर यहीं तक था, अब हमारी आ गई खराब रोड, कचारा रोड। तो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ बाइकर्स, कुछ तो चले गए हैं कुछ आ रहे हैं आगे से। ये देखो आ, ये नहीं है वो तो बाइक ही था, वो है कि अच्छी बाइक नहीं थी यार, सस्ती बाइक थी। क्या स्प्लेंडर चलाने वाला बाइकर नहीं होता? ठीक है ना, फिर उसे चलाने वाला ही बाइकर होगा। ठीक है बाइकर था गाइस वो भी। निकल गई है वो। तो गाइस, ये है स्लो बाइकर। देखो गाइस, क्या मस्त पानी बह रहा है। बताओ ये कौन सी नदी होगी? कौन सी नदी वैसे ये? तो हम पहुंच गए गर्म पानी और अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो मैं आपको मार्केट कवाली की नहीं, सॉरी, गर्म पानी की। अरे यार, यहाँ रुक जाते हैं चस्का पे। Let's go to this restaurant. निवाला रेस्टोरेंट। टेस्ट ऑफ कुमाऊं देखते हैं कैसा कुमाऊं का टेस्ट है। वैसे तो हम टेस्ट ऑफ कुमाऊं अपने घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम अभी आए हुए हैं निवाला रेस्टोरेंट। यहाँ का कुछ डेकोर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है कुछ पहाड़ी सूपे एंड ऑल टोकरियाँ। ये पहाड़ी फोक डांस की कुछ गेटअप, और ये रही पहाड़ी लड़की, और भी अदर कुछ। अभी यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ हम हैं। पति को अपने फ़ोन में दीजिए। और ये रहा यहाँ का मेन्यू।
दूर से ही आपको शत शत नमन। फिर हम जा रहे हैं भीमताल के रास्ते। हम पायरेट बाबा मंदिर नहीं जा पाएंगे, चेंज है, हम नहीं जा रहे हैं पायरेट बाबा मंदिर क्योंकि हम खाना खा चुके हैं। तो अब कभी और चलेंगे पायरेट बाबा मंदिर। तो अभी हम जा रहे हैं भीमताल के रास्ते से घर। बहुत तगड़ा जाम है यहाँ पे, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आने वाला है कोई नेता वेता शायद, तो इस वजह से भी थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है इधर, और पुलिस वगैरह भी लगी हुई है देख सकते हो। तभी यहाँ जोरों शोरों से काम भी चल रहा है इस रोड पे, नहीं तो ये रोड काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। गाड़ियाँ पुलिस कोई तो आने वाला है अंदर से। हाँ ये तो डाइवर्शन हो गया इधर से ही हमारा। कोई आ रहा है, डाइवर्शन हो गया गाइस। 20 मिनट बाद बोल रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा, तो वहीं से चले जाते हैं यार, इसे परेशान नहीं करना चाहिए ना, ये तो पब्लिक को परेशान करना होगा। अब इस लाइन में हमें लगना है, वेट करना है 20 मिनट ताकि जो आने वाला है वो आ जाए। आने वाली वीआईपी आराम से चले जाए खाली रोड में, वही कोई दिक्कत ना हो और परेशानी हम जैसे लोगों को हो। इसे अभी घुमा के नहीं के पीछे लगा दी है गाड़ी। अगर किसी को इमरजेंसी होगी तो उसको तो भेजेंगे ये लोग। यार पीछे से चले जाना चाहिए, उल्टा ही चले जाना चाहिए था यार, वहीं से मोड़ लेना चाहिए सर। जा रहे हैं हम, जाने दो वाली से निकल लेते हैं। तो हम बहुत नीचे आ गए थे ना, वही तो यार। तो अभी बज रहे हैं 2 और देखते हैं कि कब तक हमें ये वेट कराते हैं यहाँ पे। गलत रास्ते आ गए हम आज। गुड न्यूज ये है कि भीमताल के रास्ते में जितने भी गड्ढे थे वो सब भर चुके हैं क्योंकि वीआईपी एंट्री हुई है इधर, तो ऑब्वियसली बात है वो भर नहीं थे, रातों रात गड्ढे भरे जा चुके हैं। रफू कर दिया रोड, यही इंडिया की खासियत। यो यो छू भीमताल, जो तुम मूल देख ही रहो की नई बात है। मैं पतंगे क्यों लगा रखी है आज, नामकरण है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप कि आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो, बहुत ज्यादा थक चुके हैं हम गाड़ी में बैठे बैठे, तो इसलिए फोन की बैटरी भी नहीं है, खत्म होने वाली है, तो ये पेंट करता है। और हम जो पहुँचे हैं सोमेश्वर से हल्द्वानी, तो 10 बजे हम वहाँ से निकले थे और 3 बज चुका है अभी, हम काडूगंज जस्ट क्रॉस किए हैं। तो लगभग कितने घंटे लग चुके हैं हमें, 5.5 घंटे मान के चलो आप। तो आई होप कि आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बाय। जा रहे हैं फूल खरीदने, कुछ फूल देखते हैं घर के लिए। पॉट भी अच्छा है ना, अयो कुछ पसंद नहीं आया मैडम को, खाली गाड़ी रुकवा के टाइम वेस्ट करवा दिया। चलो अक्टूबर में पिटूनिया लेना, अब अक्टूबर में आएगा पिटूनिया तब लेंगे। तो ये है गोल्डन
ग्रीन नर्सरी।